ड्रीम सीजीएल, आपने सन्यासी बाबा की सौगंध रख के कहा, मेरे भाई के हाथ से पेन नहीं चल पा रहा, एग्ज़ाम में कंपटीशन भी नहीं निकल पा रहा है, मेरा तीथ में दर्द है, मेरी माँ बहुत बीमार है, इन सभी की समस्याओं का समाधान बागेश्वर हनुमान है। आप पेशी प्रारंभ कर दो, बालाजी कृपा कर देंगे, आशीर्वाद। कोमल सिसोदिया है, वो कह रही है गुरुदेव चरण स्पर्श। कल से आपसे एक सवाल पूछा था, आपने जवाब दे दिया। एक अच्छे इंसान को कैसे जाना जाए? अच्छे इंसान को जानने के लिए बहुत बार परखना पड़ेगा, क्योंकि इस कलावाज और अभिनय की दुनिया में अच्छे बनने की कोशिश बहुत लोग करते हैं, और कई लोग अभिनय में इतने गहरे उतर जाते हैं कि वो एक दो बार में उनका अभिनय पकड़ में ही नहीं आता है कि ये अच्छे हैं कि बुरे हैं या अभिनय कर रहे हैं। तो एक काम करो, तुम बार बार कोशिश करो और परखने की कोशिश करो, और परखने की कला ऐसे समझो कि कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ की सिद्धि नहीं होता हुआ अगर क्रोधित दिखाई पड़ रहा है तो समझ जाना कि ये ठीक ठाक नहीं है, स्वार्थी इंसान। लेकिन अगर कोई उसके स्वार्थ की सिद्धि तुम्हारे कारण नहीं भी हो रही हो, फिर भी वो थैंक यू कहे कि कोई बात नहीं, तो समझ जाना वो बहुत अच्छा आदमी। आशुतोष विश्वकर्मा है, वो कह रहे गुरु जी मेरा तीन सवाल है। महाराज, घर की स्थिति ठीक नहीं है, घर में कलेश उपद्रव मचा हुआ है, पर पापा ने मानते क्या सही फैसला है? हम दोनों भाई दिव्यांग हैं, भविष्य में मेरे परिवार का क्या होगा, घर में किसी की सेहत ठीक नहीं रहती है। नंबर तीसरा है, महाराज जी खाना जब भी खाते हैं हमेशा बाल निकलता है, इसका क्या? पितरों का दोष है, खाने में बार बार बाल निकलना पितरों का दोष है। आप एक काम करो, तुरंत पीपल के वृक्ष के नीचे सफ़ेद झंडा और खड़ाऊ चढ़वा दो और घर पर गोमूत्र का छिड़काव कर दो।